मुजफ्फरपुर जिला पुलिस द्वारा अपराध पर रोकथाम हेतु किए जा रहे प्रयास के फलस्वरूप दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में की गई पुलिस कार्रवाई के दौरान एक दर्जन अपराधकर्मियों को हथियार के साथ गिरफ्तार करते हुए दर्जन भर लूट के मामलों का सफल उद्भेदन किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक जयकांत ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार 4 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे जिले के सदर थाना क्षेत्र डुमरी स्थित सिंडिकेट बैंक में डकैती की घटना के दौरान एक अपराधी को मौके से गिरफ्तार किया गया था, जिसकी पहचान तुर्की थाना क्षेत्र के अमन सुल्तान उर्फ आरिफ के रूप में हुई थी। पुलिस पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर गठित पुलिस टीम ने सुमेरा, बड़ी सुमेरा, तुर्की, छाजन, कुढ़नी व वैशाली जिले में ताबड़तोड़ छापेमारी कर आधा दर्जन अपराधकर्मियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। एक अन्य मामले में सीतामढ़ी जिले में लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद कुछ अपराधकर्मी हथौड़ी थाना क्षेत्र में छुपे होने की जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक नगर पीके मंडल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी कर सीतामढ़ी जिला निवासी 4 शातिर अंतर जिला लुटेरों को एक बड़ी डकैती की योजना बनाते गिरफ्तार कर लिया। वहीं मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर आधा दर्जन शातिर लुटेरे भाग निकले। गिरफ्तार लुटेरों के पास से तलाशी के दौरान एक विदेशी पिस्टल, 315 बोर का 2 देशी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में बताया कि गिरोह के सभी अपराधी सीतामढ़ी के अलावा वैशाली, मुजफ्फरपुर समेत सीमावर्ती जिलों में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फोटो सभी लोग ले लीजिए। और है बताया जाए सर, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, पुलिस को सूचना मिली कि कुछ अपराधी हथौड़ी थाना क्षेत्र में, जो कि पास के सीतामढ़ी जिले से, एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दे करके आए हुए हैं और छिपे हुए हैं। इस संबंध में डीएसपी ईस्ट, सिटी एसपी और उनकी टीम और संबंधित एसएचओज ने मौकाए वारदात पर रेड की। रेड में 4 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और इनके पास से 1 पिस्टल, 2 देसी कट्टे, गोलियां व अन्य सामान बरामद किया गया। बाद में जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने उस क्षेत्र में अपनी लगभग 1 दर्जन से अधिक लूट की और लूट के दौरान गोली मारने की कई घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस प्रकार पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिससे अपराध को रोकने में सफलता मिली है। कितने लोगों की गिरफ्तारी और क्या क्या बरामद की? इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी है और 1 पिस्टल, 2 कंट्री मेड वेपन, इसके अलावा 6 गोलियां बरामद है। ये सब रहने वाले सब कहां के हैं? ये सभी सीतामढ़ी जिले के हैं और जो कि मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार क्राइम कर रहे थे। कुछ दिन पूर्व इन लोगों ने एक बाइक भी लूटी थी, इसके अलावा एक बीज व्यवसायी को भी गोली मारी थी। इसके अलावा भी अन्य लूट के दौरान गोली मारने के इनके मोडस ऑपरेंडी थे, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया। कि सिंडिकेट बैंक के पास में कुछ अपराधी इकट्ठा होकर बैंक पे लूटपाट की योजना बना रहे हैं। मौके पे पुलिस की टीम पहुंची, जहां से एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद इसी की निशानदेही पर 7 लोगों को अरेस्ट किया गया, जो कि सिंडिकेट बैंक में लूटपाट की योजना से वहां इकट्ठा हुए थे और इस दौरान
उन्होंने बैंक में लूटी गई चाबी और अन्य सामान भी इन सभी अपराधियों के साथ में पिस्टल के साथ में बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने वैशाली में ICICI बैंक, मुजफ्फरपुर में कुछ दिन पूर्व जो घटनाएं हुई थी, इसके अलावा लगभग 8 महीने पूर्व बेला थाना क्षेत्र मुजफ्फरपुर में भी 22 लाख रुपए लूट की घटना हुई थी। इन सभी घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इनका लगभग आपराधिक इतिहास जो पुलिस को अभी तक मिला है, जिस कांडों में इनको पुलिस को सफलता मिली है, वो लगभग 1 दर्जन से ऊपर है, जो मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बाइक लूटने, बैंक लूटने और इसके अलावा जो कैश वैन लूटने, इन सब घटनाओं से संबंधित रहे। इसके कोई मुख्य सरगना है जो इसमें अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है। 7 लोगों की गिरफ्तारी के अलावा कुछ अपराधी और भी हैं जिसको अभी मौके से भाग निकले, जिसको पुलिस को अरेस्ट करना है। इस न्यूज के सहप्रायोजक हैं जिया अभिनव प्रोडक्ट्स, प्लैटिनम अगरबत्ती, बाबा लहटी भंडार, इस्लामपुर रोड मुजफ्फरपुर, चंद्रान IAS एकेडमी, मेकिंग योर करियर शाइन, हल्दीराम भुजियावाला, चॉइस ऑफ इंडिया, लेडी प्राउड, जियो जिंदगी बेहिचक, उन दिनों में टेंशन फ्री, नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रन स्कूल, वी वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, रामा हार्डवेयर, जवाहरलाल रोड मुजफ्फरपुर, सेंट जेवियर्स स्कूल, नेशनल इन स्पिरिट इंटरनेशनल इन स्टैंडर्ड्स, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल एरिया नारायणपुर अनंत रोड मुजफ्फरपुर, VLCC गोला रोड मुजफ्फरपुर, हर घर की पसंद ग्रीन इंडिया, आपकी संतुष्टि मेरी पहचान, गोदरेज अप्लायंसेस, सोच के बनाया है बिरयानी दरबार, वर्मा कॉम्प्लेक्स मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, प्लैटिनम चिल्ड्रन स्कूल, सेल्फ बिलीफ बेस्ट बिलीफ, जावेद हबीब हेयर स्टूडियो यूनिसेक्स सलोन मुजफ्फरपुर, नेशनल मेडिकल कॉलेज वीरगंज नेपाल। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।